प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के साथ कोई सौदा करता है क्या? मोल भाव करता है क्या? टाइटल सुनकर कई लोगों को लगा कि अरे, इस तरह से कोई मोल भाव करता है क्या? हम तो नहीं करते, हमने तो किसी को मोल भाव करते हुए, सौदा करते हुए नहीं देखा है। देखते हैं, हम अपने व्यवहार को देखेंगे, उसके बाद जो है आप डिसाइड कीजिए कि हम लोग प्रभु के साथ मोल भाव या सौदा करते हैं क्या। जब हम बाजार जाते हैं तो वहां वो 50 रुपए की चीज को 250 रुपए का बताता है, और फाइनली जब वो 50 रुपए की चीज 100 में दे देता है, तो हमको लगता है कि आज हमने लूट लिया। और जब हम वहां से हम आगे बढ़ जाते हैं, तो दुकानदार जो सोचता है आज मोटी मुर्गी हाथ आई, 50 रुपए का माल बार्गेनिंग के बाद जो है 100 रुपए का दे गया। ठीक है, लेकिन कई बार हम मसीही विश्वासी लोग भी प्रभु के साथ इस तरह से मोल भाव करते हैं। और इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण मत्ती रचित शुभ संदेश 19वें अध्याय में देखते हैं। मत्ती के 19 में हम एक धनी नौजवान के बारे में देखते हैं, जो प्रभु के पास आया और प्रभु से पूछा, प्रभु उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा कि भाई ऐसा 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 करो। तो बड़े घमंड से कहा कि प्रभु बस मैं तो बचपन से करता आ रहा हूं। प्रभु ने एक और बात कही तो बोला, प्रभु वो भी मैं बचपन से करता आ रहा हूं। फाइनली प्रभु ने उस जवान से एक प्रस्ताव किया। मत्ती 19 की 21 और 22 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उस युवा से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, सिद्ध मैंने इसके पहले भी याद दिलाया था, मेच्योर होना चाहता है, परिपक्व होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। दो काम उसको करना था। नंबर 1, सारी प्रॉपर्टी बेचो। नंबर 2, बांट दो। नंबर 3, उसके बाद मेरे अनुयायी बन जाओ। यह सुनकर 21वें पद में हम देखते हैं, वो जवान यह सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि बहुत बहुत धनी था। ये है पृष्ठभूमि जिसका हम आज जिस घटना का या जिस दृष्टांत का हम अध्ययन करना चाहते हैं। उस युवा के पास बहुत अथाह संपत्ति थी, और इस कारण उसको लगता था, मैं धर्मी हूं, मैं भक्त हूं, मैं अपने जीवन में परफेक्ट हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रभु उसको ये बताना चाहते थे, पुत्र तुम्हारे पास धन है, और इस कारण मन ही मन तुम प्रभु के साथ मोल भाव कर रहे हो। प्रभु वो भी मैं वहां भी परफेक्ट हूं, यहां भी परफेक्ट हूं, सब जगह परफेक्ट हूं, प्रभु अब तो मुझे मुक्ति दे दीजिए, क्या रोक है? इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रभु ने अगले अध्याय में, मत्ती 20वें अध्याय में, एक उदाहरण दिया या एक उपमा दी। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, ये एक ही घटना है, ये अध्याय बदल गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु वहां से और कहीं चले गए। हमारे
पठन पाठन की सुविधा के लिए बाइबल में जो इतिहास है उसको अध्याय में बांटा गया है, अध्याय 21 एग्जैक्टली उसी जगह पर प्रभु ने अपने शिष्यों को ये बात बताई थी। मत्ती 20वें अध्याय के 21वें पहले पद में हम पढ़ते हैं, मत्ती 20 के पहले पद में, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सुबेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। यहाँ हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि प्रभु ने ये जो उपमा दी है इसकी पृष्ठभूमि वो युवा है जिसके पास अथाह धन था और अथाह धन के कारण उसको लगा कि मैं तो इस जगत के सर्वे सर्वा सृष्टा से भी मोल भाव करके जीवन में उद्धार पा सकता हूं। प्रभु ये बताना चाहते थे कि नहीं, मोल भाव नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु ने एक गृहस्थ का उदाहरण दिया जो सुबह सुबह अपने दाख की बगिया में मजदूरों को लगाने के लिए निकला। यहाँ दो तीन बातें आपको याद दिला दूं। पहली बात, ये जो दाख की बारी है, प्रभु के वचन में अक्सर दाख की बारी प्रभु का ये जो साम्राज्य है इसको दिखाता है। इस घटना में ये प्रभु के साम्राज्य को ही दिखाता है, इस पृथ्वी पर प्रभु का जो साम्राज्य है उसको दिखाता है। स्वामी जो गृहस्थ है वो कौन है? सर्वेश्वर, संसार के सृष्टा प्रभु को दिखाते हैं। और अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाइए, मजदूर कौन है? मैं और आप। ये जो प्रभु ने जो उपमा दी है उस उपमा को सही रीति से समझने के लिए हमें ये बात स्पष्टतया समझ लेनी चाहिए कि हम में से हर व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया है। मैं इसके पहले भी कई बार आपको ये शब्द ये बता चुका हूं, प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। तो यहां मालिक है, बगिया है, दास है जो बुलाए गए हैं। दूसरे पद में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरे पद में हम देखते हैं उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपनी दाख की भारी में भेजा। ये सुनकर अपने को एकदम से कुछ हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि आजकल दीनार तो चलता नहीं है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जनरली मजदूरों को 1 दिन में 1 दीनार के लगभग आधी तनख्वाह मिलती थी। तो यहां पर मजदूर को डबल तनख्वाह दी जा रही है, मतलब दिन भर की मेहनत के लिए मजूरी दुगनी दी जा रही है। मालिक ने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर 13वें पद में हम देखते हैं। 13वें पद में हम देखते हैं, क्या तूने मुझसे 1 दीनार ना ठहराया? मतलब मालिक उस मजदूर से बोलते हैं कि देखो, तुमने फिक्स किया था कि तुमको 1 दीनार चाहिए, मतलब उसने जो उसको मिलना चाहिए उसके कंपैरिजन में बहुत अधिक बड़ी दुगनी राशि मांगी, लेकिन गृहस्थ ने ये दुगनी राशि उसको दे दी। ठीक है, तो एक बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु ने बुलाया, जो शुरू शुरू में जो मजदूर आए थे उसमें से एक ने प्रभु के साथ मोल भाव किया, उसको जितना मिलना था उसका दुगना प्रभु ने उसको फिक्स किया। आह, उसको लगा आज तो मैंने इस मालिक को लूट लिया है, दुगना पैसा मिलेगा मुझे। सुबह 6 से लेकर शाम को 6 तक ये लोग मेहनत मजदूरी करते थे, 8 घंटे का सिस्टम तो अब आया है आधुनिक जगत में, उस जगत में 12 घंटे का हिसाब था। 12 घंटे की मजदूरी के लिए रोज तो मुझे आधा दीनार मिलता है, आज मैंने मोल भाव करके लूट लिया, दुगनी मजदूरी मिलेगी। मैं और आप जब जीवन में ऐसी स्थिति में होते हैं जब हमारा सब अच्छा चल रहा हो तो कई बार प्रभु के साथ मोल भाव की कोशिश करते हैं। उसके कुछ उदाहरण आगे जाने पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। यहां इतना याद दिलाना चाहता हूं कि सुबह सुबह हम में से जितने लोग शहर में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि ऐसे कुछ इलाके हैं, खासकर बाजार, जहां पर मजदूर आके खड़े हो जाते हैं
सुबह सुबह जाके उनको उनके मोल भाव करके उनको खेतों में या काम के लिए लाना पड़ता है। शुरू शुरू में जो हट्टे कट्टे मजदूर होते हैं लोग उनको देखते हैं चुनते हैं, और हट्टा कट्टा मजदूर भी ये जानता है कि मुझे उन्होंने इसलिए चुना है कि मैं सबसे ज्यादा हट्टा कट्टा लगता हूं, तो जम के मोल भाव करता है। यही इसने किया, और उसने दुगने तनख्वाह के लिए या दुगने मजदूरी के लिए बार्गेन किया। उसको लगा कि आज तो हम जीत गए। ठीक है, इसके कुछ समय के बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं तीसरे पद में। तीसरे पद में हम देखते हैं, फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा। एक पहर का मतलब है वो लोग 24 घंटे को लगभग 8 हिस्से में बांटते थे। पहला पहर 6 बजे, दूसरा पहर का मतलब है 9 बजे। 9 बजे वहां कोई किसी को मजदूर नहीं लगाता था। हम भी जब घर में मजदूरों को बुलाते हैं तो सुबह सुबह जाकर बुला के लाते हैं, जिससे कि 8 घंटे, वैसे भी 8 घंटे काम करते हैं, 12 नहीं करते, और सुबह सुबह ले आओ तो अभी 8 घंटे में से वो एक आध घंटा तो किसी ना किसी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसलिए 6 बजे जब काम स्टार्ट होता था तो 9 बजे कोई किसी को मजदूर को लगाता नहीं था। लेकिन ये स्वामी, इस घटना में स्वामी सर्वेश्वर परमेश्वर को दिखाते हैं, और परमेश्वर हमेशा लोगों को बुलाते हैं। और इसके पहले भी मैं याद दिला चुका हूं कि परमेश्वर के राज्य में देर हो गई ऐसी कोई बात नहीं, जब बुलाया गया जाओ और कार्य करो। यदि 90 साल की उम्र में आपको होश आ रहा है कि बाकी तो 90 साल मैंने बर्बाद किए, कोई बात नहीं, तुरंत काम में लग जाइए। 60 साल की उम्र में होश आ रहा है, तुरंत प्रभु ने जो बुलाया है उसमें लग जाइए। इसलिए पहर एक दिन चढ़े औरों को बाजार में देखकर खड़े होकर बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा तुम भी जाओ, जो कुछ ठीक है वो मैं दूंगा। वो भी गए। देखिए इस बार उन लोगों ने मोल भाव नहीं किया। क्यों? 9 बजे जिस समाज में 6 बजे नौकरों को काम पे लगाया जाता था, वहां 9 बजे कोई नौकरों को फिर से काम में नहीं लगाता। तो वो लोग जो मजदूर थे वो भी इस बात को जानते थे कि अब तो कोई हमको नहीं ले जाएगा, फिर भी बस आशा के साथ खड़े थे। एक स्वामी आया, उसने कहा जो उचित होगा दूंगा। उन्होंने कोई भी मोल भाव नहीं किया। ये इस बात को याद दिलाता है कि मनुष्य या एक विश्वासी जब अपनी असहाय स्थिति को समझने लगता है तब प्रभु पर भरोसा रखता है, मोल भाव नहीं करता है। हम में से जो भाई बहन इस समय जवान है, मैं तो नहीं हूं, मेरी तो जवानी बीत चुकी है, जो जवान है जो अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, जिनकी अच्छी नौकरी है, अच्छी आमदनी है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस समय अपने स्वास्थ्य के, नौकरी के, इनकम के उन्नत अवस्था में है, और इस समय प्रभु आपसे जो करने को कहते हैं, जब मैं कहता हूं करने को कहते हैं तो मेरा मतलब ये नहीं कि प्रभु आप में से हर व्यक्ति को अपनी सेवा में बुला रहे हैं, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रभु हम में से हर व्यक्ति को हमारे जीवनों में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन जीवन का सबसे उन्नत समय होता है जब हेल्थ बेस्ट हो, नौकरी अच्छी हो, तो उस समय प्रभु के साथ मोल भाव करने की इच्छा होती है। ऐसा ना करें। जो नौकर 9 बजे तक बिना नौकरी के खड़े थे, उनसे जब मालिक ने कहा कि जो उचित होगा वो मैं दूंगा, तब उसमें से किसी ने पलट कर मालिक से ये नहीं पूछा कि मालिक उचित क्या होगा। देखिए कई मालिक लोग लूटते हैं, जो उचित होगा दूंगा कहके बाद में हो सकता है देने से मना करें। लेकिन यहां ये जो दास थे उन्होंने समझ लिया कि ये मालिक संसार का सृष्टि करता है, इसलिए मालिक को जो उचित समझे वो हमारे लिए उपयुक्त है, और ना केवल उपयुक्त है, उपयुक्त से भी ज्यादा है। मेरे आपके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में जो असहाय स्थिति है उसको समझें, और इस बात को समझें कि हम
सृष्टिकर्ता के साथ मोल भाव न करें। उपमा प्रभु ने जो दी वह यहां समाप्त नहीं होती है। पांचवें पद से, पांच से सात में हम और इंटरेस्टिंग एक बात देखते हैं। पांचवें पद में हम देखते हैं, फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। दो पहर का मतलब, दूसरे पहर का मतलब 12 बजे, तीसरे पहर का मतलब है 12 और 3, हाँ 3 बजे। फिर 1 घंटा दिन रहे, मतलब शाम को 5 बजे। देखिए कुल मिलाकर 6 बजे तक काम होता था, 5 बजे भी मालिक बाहर गया और लोग ऐसे ही खड़े हुए थे। मालिक ने उनसे पूछा, क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? क्योंकि शाम को 5 बजे यदि कोई बाजार में खड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि दिन भर बेकार खड़ा रहा। उन्होंने कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। सातवें पद में हम देखते हैं, उसने मतलब मालिक ने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। यहां इवन उनको क्या दिया जाएगा यह नहीं कहा। 6 बजे जो आया था उसने मोल भाव करके डबल लिया। 9 बजे जो जिसको नौकरी मिली उसको अपनी असहाय स्थिति का अनुमान था, इसलिए जब मालिक ने कहा जो उचित होगा उसने क्या उचित है ये मालिक पर छोड़ दिया। दोपहर को, तीसरे पहर को और शाम को 5 बजे कुछ भी नहीं बोला, जाओ, सिर्फ इतना बोला। वो लोग अपनी असहाय स्थिति को जानते थे, इसलिए उन्होंने मजदूरी के बारे में कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला, ना ही मालिक ने उनको कुछ बताया। प्रिय भाई और बहनों, मेरे आपके जीवन में जब हम प्रभु के साथ डील करते हैं तब इस तरह से हमको प्रभु के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि संसार के मालिक हैं वो मालिक जब कुछ करने को कहता है तो उसके पीछे कारण है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मुझे प्रभु ने नहीं बुलाया, ये मैं इसके पहले बता चुका हूं। हाँ, ये मालिक जब सुबह बाजार गए तो ये मजदूर वहां नहीं थे क्या? ये लोग थे, लेकिन प्रभु ने उनको नहीं लगाया, थोड़े से लोगों को लगाया, बाकियों को नहीं लगाया। बाकियों को 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और शाम को 5 बजे लगाया, जिससे कि वे अपनी असहाय स्थिति को समझ सके। मेरे आपके जीवन में ऐसी स्थिति कई बार आती है, असहाय स्थिति। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमें प्रभु पर आश्रय करना ही है, मैं अपनी बुद्धि से या अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता। आठवें पद को देखें, आठवें पद में हम देखते हैं, सांझ को डाक की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक मजदूरी दे दो। कितना देना है ये प्रभु ने नहीं बोला, इसके पीछे कारण है। यहां भंडारी प्रभु ने एक अलग से एक कैरेक्टर बताया है। एक्चुअली हम जानते हैं कि जब हम प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तब प्रभु स्वयं मालिक होंगे, प्रभु स्वयं भंडारी होंगे और प्रभु स्वयं वो इंस्पेक्टर होंगे जो हमारी जांच करेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय हमको बताता है, जहां ये लिखा हुआ है कि नींव मसीह है, उस नींव के ऊपर कौन किस तरह का रद्दा रखता है इसका ख्याल रखें। यदि घास, फूस और उसके अलावा काट से यदि तुम उस बिल्डिंग को बनाओगे, आग उसको जांचेगी, आग में काट, घास, फूस सब जल जाएगा। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से उस नींव के ऊपर निर्माण करें। ये सब जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इब्रानियों के पत्र 12वें अध्याय के इसके पहले, 6 अध्याय के इसके पहले मैं आपको याद दिला चुका हूं, वहां ये लिखा है कि जो भूमि उस पर बार 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 पड़ने वाली बरसात को
पीकर अपने मालिक के लिए उपयोगी साग पात उपजाती है, वो अनुग्रह पाती है, लेकिन यदि वो कांटे और ऊंट कटारे उगाए तो शापित है और उसका अंत जल जाना है। भूमि का अंत जल जाना नहीं है, भूमि से जो कांटे और ऊंट कटारे उगाए जा रहे हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड बातें हैं जो हमको याद दिलाते हैं कि एक दिन हमको हिसाब देना पड़ेगा। जब हम हिसाब देंगे तब उस हिसाब के अनुसार हमको मजदूरी मिलेगी। इस बात को प्रभु ने अलग अलग तरीके से बताया है। भूमि में जो बीज गिरा, जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए, वो भी इसी बात को बताता है। दासों को सिक्के दिए या सोने के पिंड दिए, किसी ने 2 और कमाया, किसी ने 5 और कमाया, किसी ने 10 और कमाया, वो भी इसी बात को दिखाता है। ये प्रभु का वचन बार बार इस बात को याद दिलाता है कि हमको जिस बुलाहट से बुलाया गया है, हमको जो जिम्मेदारी दी गई है, और हमको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए हमारे हाथ में जो पूंजी दी गई है उसका सही विनिमय करना है। किसी जगह दास को सोने का सिक्का दिया गया था, किसी को चांदी का सिक्का दिया गया था। आज की घटना में इन दासों को आप पूछेंगे, इनको विनिमय के लिए क्या दिया गया था? भैया जो मजदूरी करता है उसको स्वास्थ्य दिया गया है, इसीलिए तो वो मजदूरी कर पा रहा है। ये स्वास्थ्य किसने किसने दिया उसको, जिसने उसकी सृष्टि की? तो ये सारी घटनाएं जो प्रभु के वचन से हम देखते हैं, ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है। इसके पहले भी मैं आप सबको याद दिला चुका हूं कि व्यावहारिक मसीही जीवन के बारे में जब अपन अध्ययन करते हैं तब हमें कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि व्यावहारिक मसीही जीवन, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, उसका सिर्फ एक साइड नहीं होता है, उसके बहुत सारे साइड्स होते हैं। और आज इन सब को मैंने एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। भूमि जो जोती जाती है, ज्योति बोई जाती है, भवन जिसका निर्माण हो रहा है, मजदूर या गुलाम जिनको सिक्के दिए गए थे, और आज के दिन हम देखते हैं दास जिनको प्रभु ने अपनी बारी में खेती के लिए बुलाया था। ये सब एक ही घटना के व्यावहारिक मसीही जीवन के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं, क्योंकि हमारा व्यावहारिक मसीही जीवन, उसमें बहुत सारे डाइमेंशंस हैं, उसके बहुत सारे पहलू हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। प्रभु को आपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, शायद 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए या 60 साल हो गए। यदि आज आपसे प्रभु हिसाब पूछते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुमको अपने खेत में भेजा था, तुमने कितनी मेहनत की, मेरा आपका क्या जवाब होगा? तुम वो पृथ्वी हो जिसमें मैंने बीज बोया था, तुम कितना फल लाए, मेरा आपका क्या जवाब होगा? तुम वो दास हो जिसको मैंने सिक्के दिए थे या सोने चांदी के पिंड दिए थे, तुमने क्या किया? तुम वो अच्छी मिट्टी हो जिसमें मैंने बीज बोया था, तुम कितना फल लाए, 30 गुना 60 गुना या 100 गुना फल लाए? ये सारे प्रश्न मुझसे आपसे पूछे जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 3 इस बात को याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति अग्नि के द्वारा जो जांच है उससे बच नहीं सकेगा। इब्रानियों की पत्री 6:6 भी याद दिलाता है, कोई भी व्यक्ति अग्नि के द्वारा जो परीक्षा होगी उससे बच नहीं पाएगा। यही अग्नि परीक्षा आज यहां पर हुई थी। कैसे हुई थी वो जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं। सांच को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। यह एक विशेष बात आप याद रखें, पहले से लेकर आखिरी तक नहीं, स्वामी ने विशेष ये बात कही, सबसे आखिर में जो आया है उससे लेकर सबसे पहले जो आया था उसको उल्टे क्रम से दो। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब अपन टिकट लेने के लिए
या किसी चीज को खरीदने के लिए क्यू में खड़े होते हैं, तो क्यू में या पंक्ति में जो खड़े हैं उसमें जो सबसे पहले आया है, टिकट उसको दिया जाता है, माल उसको बेचा जाता है और हर तरह से उसको अन्य लोगों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसके बाद उसके पीछे वाले व्यक्ति की बारी आती है। इसीलिए तो कई बार हम लोग देखते हैं जब कहीं लाइन लाइन हो तो लोग जबरदस्ती आगे की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ क्या हुआ, बात बिल्कुल उल्टी है। प्रभु ने कहा जो सबसे आखिर में है उससे लेकर आगे तक दो। इसके पीछे प्रभु का एक विशेष मंतव्य था जो हम आगे देखते हैं। नौवें पद में हम देखते हैं प्रभु का मंतव्य या प्रभु की इच्छा क्या थी। प्रभु चाहते थे कि जो सबसे पहले आए हैं वे लोग एक विशेष बात को देख लें और देखने के बाद सीख लें। सो जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दीनार मिला। देखिए, जो सुबह सुबह आया था 6 बजे, उसने मोल भाव करके डबल मजदूरी ली थी, एक दीनार। शाम को 5 बजे जो आया, जिसने मुश्किल से 1 घंटा काम किया, 1 घंटा मजदूरी की थी, उसे तो बिना बिना किसी ज्यादा मेहनत के एक दीनार मिल गया। मतलब 12 घंटे के बदले 1 घंटे उसने काम किया, 11 घंटे काम नहीं किया, इसके बावजूद उसको दिन भर की मजदूरी का डबल मिला। अब जो पहले से आया था, जो लाइन में खड़ा था, 10वें पद में हम देखते हैं, जो पहले आए थे उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उनको भी एक ही दीनार मिला। देखिए, आगे बढ़ने से पहले इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें। सर्वेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, मनुष्य के कायदे कानून के अनुसार काम नहीं करते हैं। वे अपने स्वयं के कायदे कानून के अनुसार कार्य करते हैं। यदि सर्वेश्वर ने मनुष्य के कायदे कानून के अनुसार काम किया होता, तो जिस समय आदम और हव्वा ने पाप किया था, उस समय सदा सर्वदा के लिए उनको त्याग देना चाहिए था, क्योंकि आदम और हव्वा किसी भी तरह से अपना बचाव नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रभु ने उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा मनुष्य करता है। उनको इमीडिएटली प्रभु भस्म कर सकते थे, एक नई सृष्टि आरंभ कर सकते थे, नहीं। मनुष्य जिसने प्रभु के साथ धृष्टता की, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस आदि माता और आदि पिता ने जो प्रभु को मुखामुख देखा करते थे, उनके साथ प्रभु ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा मनुष्य करता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। प्रभु मेरे आपके साथ जो व्यवहार करते हैं, मुझे आपको जीवन में जो अनुग्रह देते हैं, वो मेरी आपकी योग्यता के आधार पर नहीं है। जो सबसे पहले आया था उसने अपनी योग्यता के आधार पर मूल्यांकन किया। उसको लगा, अरे जिसने 1 घंटा काम किया उसको यदि 1 दीनार, यहां तो लूट है, तो मैंने 12 घंटे काम किए, मुझे तो 12 दीनार मिलने चाहिए। जो पहले आए उसने समझा कि हमें अधिक मिलेगा। प्रभु का वचन 10वें पद में कहता है उनको भी एक ही दीनार मिला। इस बात को बहुत अच्छी तरह से हम समझें। प्रभु के साथ जब व्यवहार करते हैं, हम मनुष्य की समझ के अनुसार, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार, मनुष्य के तर्क शास्त्र के अनुसार व्यवहार ना करें। यदि हम मानुषिक बुद्धि के अनुसार प्रभु के साथ व्यवहार करते हैं, तो हमारे जीवन में जो घटना घटती है या घटनाएं घटती है, उनको देखकर पहले तो हमको ताज्जुब होगा, उसके बाद दिल को धक्का लगेगा। जो सुबह 6 बजे से मेहनत कर रहा था, जब उसने देखा कि अरे
जिसने 1 घंटा मेहनत की उसे तो 1 दीनार मिल गया, मुझे 12 दीनार मिलेंगे। जब उसको 1 दीनार उसके हाथ में रखा गया, पहले तो उसको ताज्जुब हुआ, उसके बाद उसको दिल को धक्का लगा और उसके बाद उसका दिल दुख से भर गया। मैं और आप, यदि प्रभु मुझे और आपको जिन बातों के लिए बुलाते हैं उन बातों को मानुषिक बुद्धि के अनुसार काम करते हैं, ऐसा ही होगा। इस घटना को प्रभु ने 11 और आगे के पदों में स्पष्ट किया है। 11वें पद में हम पढ़ते हैं, 10 में हमने पढ़ा, उन्होंने जो पहले आए थे उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें 1 ही दीनार मिला। ठीक है, 11वें पद में हम देखते हैं, जब मिला तो वह गृहस्थ पर कुड़कुड़ाकर कहने लगे। कुड़कुड़ाकर क्या कहने लगे? इन पिछले लोगों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने, हे मालिक, आपने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और घाम सहा। कई बार प्रभु से मैं और आप एग्जैक्टली इसी तरह से वार्तालाप करते हैं। प्रभु, मैंने अपना सब कुछ आपके लिए त्याग दिया, आप नहीं देखते क्या? मैं तो प्रभु इससे भी ज्यादा उम्मीद करता था। यही है उन लोगों के कहने का मतलब, पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया, हमने तो दिन भर का घाम सहा, दिन भर की धूप सही और हमको भी उतना ही मिला, आपने हमको उनके बराबर कर दिया। यहां गलती किसकी है? गलती मालिक की है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि आपने हमको उनके बराबर कर दिया। प्रिय भाई और बहनों, हम में से हर व्यक्ति जीवन में प्रभु से सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना चाहता। इस बात को प्रभु ने आगे स्पष्ट किया है। मैंने वो पोर्शन इसके पहले आपको वो पढ़कर सुनाया था, दोस्त मोल भाव तुमने किया था। जब हम इस तरह से प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, दिन भर हमने धूप सही, दिन भर कड़ी मेहनत की और आपने हमको नहीं दिया, प्रभु याद दिलाते हैं, तुम इस बात को भूल गए थे कि मैं इस संसार का सृष्टिकर्ता ईश्वर हूं, और यदि मैंने तुमको बुलाया है तो तुमको तो ये समझना चाहिए था प्रभु, ये आपकी करुणा है, इस दास की कोई योग्यता नहीं है कि बगिया में जाकर कार्य करे। बगिया आपकी है, खेती आपकी है, फल आपका है, उसमें जाकर काम करने के लिए मेरी कोई योग्यता नहीं है। आपने मुझे बुलाया प्रभु, आपकी आज्ञा सार आंखों पर यह रखकर आगे बढ़ना चाहिए था। उसके बदले प्रभु से मोल भाव किया। इस बात को याद रखें, मुझे और आपको प्रभु ने बुलाया है। आज जो विद्यार्थी प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनको मैं याद दिला दूं, प्रिय बेटे, प्रिय बिटिया, इस समय तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का समय है। पढ़ाई लिखाई का ये पीरियड तुम्हारे जीवन में प्रभु ने फिक्स किया है, प्रभु ने दिया है, और इस कारण प्रतिदिन जब तुम्हारे मम्मी डैडी तुमसे कहते हैं बेटा पढ़ लो, तो खेलने कूदने और अन्य बातों के लिए समय बर्बाद करने के बदले तुमको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि तुमको इन दिनों विद्यार्थी के रूप में तुम्हारे माँ बाप ने नहीं रखा है, सांसारिक तरीके से माँ बाप ने रखा है, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा जो पिछला काल था, तुम्हारा जो वर्तमान है और तुम्हारा जो भविष्य है, वो तो प्रभु के हाथ में है। प्रभु ने तुमको विद्यार्थी के रूप में रखा है। प्रभु ने तुमको विद्यार्थी के रूप में इसलिए रखा है कि तुम अच्छी तरह से तैयारी कर सको, जिससे कि कल प्रभु जब तुमको एक कार्य देंगे तो उस कार्य को अच्छी तरह से कर सको। इसका मतलब ये हुआ कि इन दिनों ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जितनी ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई कर सकते हो उतनी अधिक मेहनत के साथ पढ़ाई करो, और जितने अच्छे अंक ला सकते हो उतने अच्छे अंक लाओ, ये
बिना प्रभु से मोल भाव किए हुए प्रभु ने तुमको जिस बात के लिए बुलाया है उस कार्य को करने का तुम्हारे जीवन में उदाहरण है। मम्मी डैडी से कभी भी पढ़ाई लिखाई के मामले में मोल भाव मत करना। मम्मी डैडी को तुम्हारी जिम्मेदारी प्रभु ने दी है और इस कारण यदि मम्मी डैडी से मोल भाव करोगे तो तुम उसके द्वारा मम्मी डैडी से मोल भाव करने के द्वारा प्रभु से मोल भाव करने वाले ठहरोगे। मम्मी डैडी से ये मत कहना हो मैंने तो आपसे कहा था मुझे नीले रंग की शर्ट दिलवा देना फलानी चीज दिलवा देना आपने नहीं दिलवाया मैं भी नहीं पढ़ता। किससे बोल रहे हो? प्रभु से मोल भाव कर रहे हो। मम्मी डैडी ने शर्ट दिलवाया फलानी चीज दिलवाई या नहीं दिलवाई वो अलग बात है, लेकिन जब तुम ये कहते हो कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तुम उस व्यक्ति से बलवा कर रहे हो रिबेलियन कर रहे हो जिन्होंने तुमको विद्यार्थी बनाया है। तो मेरे प्रिय बच्चों तुम्हारा ये जो विद्यार्थी जीवन है प्रभु ने ये तुमको दिया है प्रभु ने तुमको विद्यार्थी बनाया है। इस कारण एक मसीही विद्यार्थी को अपने क्लास में सर्वोत्तम विद्यार्थी या विद्यार्थिनी होना चाहिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं जो युवा लोग हैं जो प्रौढ़ लोग आज प्रभु का संदेश सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं हम में से हर एक के जीवन में कंप्लेंट करने के लिए 50 बातें हैं। प्रभु मेरी हेल्थ प्रभु मेरा प्रमोशन प्रभु मेरे साथी का तो हो गया मेरा नहीं हुआ प्रभु मेरी पत्नी पता नहीं आप कहाँ से कैसी पत्नी लाके मेरे सर पर रख दिया प्रभु ये मेरा पति पता नहीं कैसा पति आपने दिलवा दिया। हे प्रभु कैसे बच्चे दिए आपने मुझे मेरे वो दोस्त को देखिए उसके बच्चे तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि दूध के धुले हुए। 50 बातों के बारे में हम प्रभु से शिकायत कर सकते हैं और ये सारी शिकायतें मूल रूप से सौदेबाजी है। सौदेबाजी इसलिए कि प्रभु ये नहीं यदि मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता तो मैं और भी अच्छा हो सकता था ये प्रभु के साथ सौदेबाजी है। प्रभु के साथ कभी भी सौदेबाजी और मोल भाव के चक्कर में ना रहें। दुनिया में दुकानदारों से सौदेबाजी के लिए जाते हैं तो नुकसान में रहते हैं तो सर्वेश्वर इस विश्व के सृष्टिकर्ता के साथ जो सौदाबाजी करता है वो हमेशा नुकसान में रहेगा। ना केवल नुकसान में रहेगा बल्कि हम जीवन को सही कोण से देख नहीं पाएंगे। जो लोग सुबह सुबह 6 बजे दुनिया के सृष्टिकर्ता से मोल भाव करने गए थे उन्होंने जीवन को सही नजरिए से देखा था क्या? जी नहीं उन्होंने जीवन को गलत नजरिए से देखा था। 13वें पद में हम उसके नजरिए को देखते हैं। 13वें पद में हम इसकी कुंजी चाबी देखते हैं। इस पूरे घटना का जो मर्म है 13वें पद में लिखा है स्वामी ने उनमें से मतलब वो जो दास वहां कुड़कुड़ा रहे थे स्वामी ने उनमें से एक को उत्तर दिया दोस्त मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। तुम कह रहे हो कि मैंने अन्याय किया नहीं मैं कोई अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दीनार ना ठहराया? देखिए इस पूरी घटना की कुंजी यहां है कि या मर्म 9 बजे 12 बजे 3 बजे और शाम को 5 बजे जिन लोगों को स्वामी ने खेत में भेजा था उन्होंने मोल भाव नहीं किया। 9 बजे तो स्वामी ने कम से कम इतना कहा था जो उचित है दे दूंगा। 12 बजे कुछ नहीं बोला 3 बजे कुछ नहीं बोला 5 बजे जिनको बुलाया था उनसे कुछ नहीं बोला उनको कुछ नहीं बोला कि मैं क्या दूंगा। 6 बजे जिस आदमी को प्रभु ने बुलाया था उसके बारे में लिखा है क्या तुमने मुझसे 1 दीनार ना ठहराया। हिंदी में ठहराया एकदम से समझ में नहीं आता कि प्रभु ने जो कहा उसका विस्तार से अनुवाद यह होगा देखो तुमने
खुद मोल भाव करके सौदेबाजी करके एक दीनार फिक्स किया था, और जब तुमने सौदेबाजी करके एक दीनार फिक्स किया तो जो तुमने जिस बात के लिए सौदा किया वह मैं तुमको दे रहा हूं, क्या न्याय है? प्रिय भाई और बहनों, जीवन में प्रभु के साथ कभी भी सौदाबाजी ना करें। विद्यार्थियों, आज जो लोग प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, बच्चों जो प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, प्रभु ने तुमको जिंदगी में जो दिया है वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। इसको समझकर शिकायत नहीं करना, कुड़कुड़ाना नहीं, इस बात को याद रखना कि ये प्रभु ने दिया है। अरे दुनिया में जो दुनिया के जो लोग हैं जिन्होंने कभी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं पाया, वो लोग कुड़कुड़ाते नहीं हैं। हिंदुस्तान के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़े रॉकेट साइंटिस्ट बन गए, उस व्यक्ति ने घर पे बिजली ना होने के कारण घर से कुछ दूर जाकर जो स्ट्रीट लाइट है उसकी रोशनी में बैठ के पढ़ाई की, कितना बड़ा आदमी बन गया। इस कारण याद रखना, तुम्हारी स्थिति तो अलग है, तुम्हारे जीवन का तो नियंत्रण प्रभु के हाथ में है। एक व्यक्ति जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं जाना, उसने अपने जीवन की सीमाओं को पार करके अपने आप को इतना बड़ा व्यक्ति बना लिया। तो मेरे बच्चों, तुमको प्रभु ने जो भी स्थिति दी है उस स्थिति में यदि तुम मेहनत करोगे तो प्रभु तुमको कहां से कहां ले जाएंगे, इस बात को समझ लो। शर्त है, मोल भाव नहीं करना है। शाम को जो आए थे उनको एक दिन में जो मजदूरी मिलनी थी उसका 24 गुणा मालिक ने दिया। आधा दीनार दिन भर के लिए मिलता था, घंटे भर काम के लिए उनको मिला 1 दीनार, जो कि जितना उनको मिलना था उसका 24 गुना था। जब हम अपने जीवन को प्रभु के द्वारा दिया गया समझेंगे, और जब हम इस बात को समझेंगे कि प्रभु ने हमें अपनी सेवा के लिए बुलाया है, तो हमें जो मिलना चाहिए उसका 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 24 गुना, इतना ही नहीं कई बार 100 गुना मिल जाएगा। मैं इसके पहले एक महिला के बारे में यहां बता चुका हूं, फैनी क्रॉसबी। जब वो 3 साल की थी तब एक झोला छाप डॉक्टर ने उसकी आंख में जहरीला पदार्थ डाल दिया, आंख में आंख आ गई थी उसके लिए जहरीला पदार्थ डाल दिया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो जिंदगी भर प्रभु से शिकायत कर सकती थी, प्रभु आप मुझे बचा सकते थे, आपने उस झोला छाप डॉक्टर से मुझे नहीं बचाया, मेरे आंखों की रोशनी चली गई। नहीं, उसने मोल भाव नहीं किया, उसने इस बात को समझा कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरा अनुमान है कि उसने 7,000 से 10,000 के बीच में गानों की रचना की थी। एग्जैक्ट नंबर आज भी नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत सारे गाने उसने अपना नाम दिए भी नहीं, रचना की थी। और आज अंग्रेजी में मसीही जगत जो सर्वोत्तम गाने गाते हैं उनमें से कई गाने फैनी क्रॉसबी के द्वारा लिखे गए हैं। जब उससे पूछा कि देखो बिना नजर के तुम इतना अच्छा लिख लेती हो, तो नजर होती तो तुम कितना अच्छा लिख लेती, तो फैनी क्रॉसबी का जवाब था कि प्रभु ने मेरी दुनियावी नजर ले ली जिससे कि मेरी आसमानी नजर खुल जाए। मुझे और आपको जीवन के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। 14वें पद में हम देखते हैं, जो तुम्हारा है उसे उठा लो और चले जाओ। मेरी इच्छा है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। जैसा मैंने बताया, इस घटना का जो मर्म, इसकी जो कुंजी है वो ये है कि जब वो सुबह सुबह हेल्दी था, समय था, उस समय उसने मोल भाव करके फिक्स किया। हम में से कोई भी प्रभु के साथ सौदेबाजी ना करे, जितना तुझे, मेरी इच्छा है कि जितना तुझे उतना ही इसको दूं। उसने यदि मोल भाव नहीं किया होता तो जिन्होंने मोल भाव नहीं किया इस घटना में, उनको जितना मिलना था उससे कई गुना मिला,
जिसने मोल भाव किया, यदि उसने मोल भाव ना किया होता तो जरा सोचिए उसको कितना अधिक मिल गया होता। 15वें पद में हम देखते हैं, क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? प्रभु मेरे आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, प्रभु अपने हिसाब से चलते हैं, और इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि इस बात को समझे कि मेरे आपके जीवन में जो कुछ मिला है, मैं फिर से याद दिला दूं, मेरे आपके जीवन में जो कुछ मिला है वो प्रभु ने दिया है, प्रभु ने रखा है, प्रभु ने निर्धारित किया है, जिससे कि हम उसका उपयोग प्रभु पर आश्रय के साथ करें, जिससे कि समय आने पर हमको जो मिलना चाहिए उससे 10 गुना, 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना दे सके। शर्त, प्रभु के साथ मोल भाव ना करें। प्रभु के वचन में हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहां लोगों ने प्रभु के साथ मोल भाव की कोशिश की। उसमें से एक के बारे में मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं, काइन। काइन और हाबेल। हाबेल ने विश्वास के साथ प्रभु को चढ़ाया, काइन ने बिना विश्वास के चढ़ाया। इच्छा हो तो ले लीजिए, नहीं तो मेरी बला से। ये मोल भाव है, प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। बाद में जब अपने भाई की हत्या करने के बाद चुपके से जा रहा था, प्रभु ने पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? हाँ, मैं क्या अपने भाई का दास हूं? प्रभु से मोल भाव दूसरी बार कर रहा था। पहली बार जब उसने बिना विश्वास के प्रभु को भेंट चढ़ाए, प्रभु मैं तो चढ़ा रहा, आपकी इच्छा हो तो लीजिए, नहीं तो लीजिए मत लें। उसके बाद जब सर्वेश्वर से वो कहता है कि मैं क्या अपने भाई का गुलाम हूं, फिर से प्रभु के साथ मोल भाव करता है। कहने का मतलब, मैं क्या गुलाम हूं? यदि वो आपका बच्चा था तो आप देखिए कि वो कहाँ है। प्रभु ने कहा, तुम जिंदगी भर भगोड़े रहोगे। बाप रे, जैसे उसने सुना मैं जिंदगी भर भगोड़ा रहूंगा, एकदम से मोल भाव से याचना पर उतर आया, प्रभु ये मेरे लिए, ये सजा मेरे सहने से ऊपर है। प्रभु ने काइन के ऊपर दया दिखाई, लेकिन काइन ने अपने जीवन में वो जो बन सकता था उसको खो दिया। हम में से बहुत लोग हैं जो इस तरह करते हैं, और हमको लगता ही नहीं है कि हम मोल भाव कर रहे हैं। याकूब और एसाव को देखिए, एसाव ने अपने भाई से मोल भाव किया, याकूब ने भी मोल भाव किया। याकूब तो धोखेबाज था, याकूब को अच्छी तरह से प्रभु ने उसको बाद में लेकर शेप किया। एसाव ने क्या किया? प्रभु ने उसको जो पहलौठे का अधिकार दिया था उसको बेच दिया। ये मोल भाव नहीं तो और क्या है? जब उसने अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया तो उसके साथ साथ उस परिवार में उसको प्रॉपर्टी का जो डबल पोर्शन मिलना था वो बेच दिया। उसके साथ साथ उस समय जो बड़ा बेटा होता था, ज्येष्ठावकाश उसका जो होता था, उसके कारण वो परिवार का प्रीस्ट होता था, प्रीस्टहुड भी बेच दिया। काहे के लिए? कटोरी भर मसूर की दाल की खीर के लिए। इस मोल भाव से उसको कुछ फायदा हुआ क्या? नुकसान ही नुकसान में रहा। यूसुफ के भाई लोगों के बारे में मैंने इसके पहले भी इशारा किया था। सपना देखता है। उन्होंने सोचा कि सपना देखने वाले को गुलामी में बेच दो, मर खप जाएगा। किससे मोल भाव कर रहे थे? किससे सौदेबाजी कर रहे थे? जब प्रभु ने यूसुफ को यह दिखाया कि मैं इसको एक रूलर बनाऊंगा, तो यूसुफ के भाई लोग प्रभु के साथ सौदेबाजी कर रहे थे, सौदाबाजी।
अच्छा आप इसको रूलर बनाएंगे, हम भी देखते हैं जरा, हम भी जरा देखें कि किस तरह से आप इसको रूलर बनाएंगे। ये कोई अकल की बात है क्या? जिस व्यक्ति ने, जिस परमेश्वर ने एक आज्ञा के द्वारा इस पूरे विश्व की रचना की, उसके साथ कोई सौदाबाजी कर सकता है क्या? यूसुफ के भाइयों ने किया, और हम देखते हैं जब उनके पिताजी गुजर गए तब उनकी हालत कैसी पतली हो गई थी, जाके अपने छोटे भाई के पैरों पे गिर पड़े थे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, जिसमें से एक घटना आज हमने देखी, मत्ती 19वें अध्याय में, प्रभु मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं। आपको लगता है क्या कि वो सीरियस था? नहीं, वो तो दिखाने के लिए ऐसा, प्रभु मैं फलानी जगह का नगर सेठ हूं, और धान्य मेरे पास बहुत है, इस कारण मैं प्रभु के साथ मोल भाव करके उद्धार पा सकता हूं। इसलिए प्रभु ने कहा, पुत्र जो कुछ है सब बेच दो, गुलामों को बांट दो, और फिर मेरे पीछे आओ। किसके पीछे? जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो नौजवान वहां से दुखी होकर चला गया। उस सौदेबाजी में उसको उद्धार नहीं मिला, उद्धार से वो वंचित हो गया। इस बात को प्रभु ने इस घटना के द्वारा बताई। इसका क्लोजिंग एक विशेष पद है, किसी भी भाई, किसी भी बहन और किसी भी बच्चे को जो आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। 16वें पद में हम दे रहे हैं, 16वें पद में, इस रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। आत्मिक जीवन मनुष्य के कायदे कानून के अनुसार नहीं चलता है, आत्मिक जीवन परमेश्वर के कायदे कानून के अनुसार चलता है। और मनुष्य का कायदा कानून जो है, उसको यदि हम आत्मिक जीवन में थोपने जाएंगे, हमेशा नुकसान में रहेंगे। लेकिन यदि हम अपने कायदे कानून प्रभु के ऊपर जबरदस्ती थोपने के बदले, प्रभु ने मुझे आपको जिस काम के लिए बुलाया है उस काम में विश्वास योग्यता से लगे रहें, तो जो पहले होंगे वो पिछले हो जाएंगे, लेकिन जो पिछले वो पहले हो जाएंगे। आज शाम को एक बात पूछना चाहता हूं, प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया है? मैं उस उम्र में हूं, जी रहा हूं, जहां 60-66 साल दुनिया देख ली है, तमाम तरह की बातचीत सुनता हूं। कई बार लोगों से पूछता हूं, भैया तुमको फलाना गिफ्ट दिया है प्रभु ने, उसका उपयोग क्यों नहीं करते? एक भाई जो मेरे हिसाब से सर्वोत्तम बाइबल टीचर थे, मैंने उनसे कहा, भैया मसीही पत्रिकाओं को लेख नहीं मिल रहे हैं, तुम जरा लेख लिखना शुरू करो। अरे जॉनसन, मैं 10 मिनट लिखता हूं तो मुझे कोहनी में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं नहीं लिखता। मैंने कहा, भैया 10 मिनट काहे को लिखते हो, पहले 9 मिनट लिखो, उसके बाद थोड़ा सा गैप लो, फिर 9 मिनट लिखो। नहीं, मैं लिखूंगा तो एक साथ लिखूंगा। क्या हुआ, वो भाई गुजर गए। वे मसीही समाज के लिए जो योगदान दे सकते थे नहीं दिया उन्होंने, नहीं दे पाए। क्यों? प्रभु के साथ उनका मोल भाव चल रहा था, प्रभु शरीर में एक बाल में भी दर्द ना हो तो मैं लिखूंगा। जिंदगी ऐसे थोड़ी चलती है, मेरे आपकी इच्छा के अनुसार थोड़ी चलती है, जिंदगी तो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलती है। मुझे उस भाई के बारे में बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी कलम से, उनकी वाणी से जिस तरह से प्रभु का वचन आता था, बहुत कम लोग, बहुत कम कलम से इस तरह से प्रभु का वचन आता था।
आज से बहुत साल पहले एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई। 65 साल के होंगे। वो बहुत खुश हो गए मिलके। अच्छा, तुम प्रभु की सेवा के लिए जाने के लिए तैयार हो? हो, बहुत खुशी है। मैं उस समय, मैं एमएससी कर रहा था। उस समय मुझे प्रभु से बुलाहट मिल चुकी थी। वो बोले, मुझे भी बुलाहट मिली है, मैं किसी भी दिन प्रभु की सेवा के लिए निकल लूंगा। कम से कम 65 साल के थे। मुझे लगा, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, 65 साल की उम्र में इस व्यक्ति में इतना उत्साह है। मैंने उनके बेटे से कहा कि भैया, तुम्हारे फादर तो 65 साल की उम्र में नौकरी जो है वो प्रभु की सेवा के लिए निकल रहे हैं। उसने कहा, नंबर वन, मेरे साथ रहते हैं लेकिन मेरे पिताजी नहीं है, मेरे ससुर हैं। नंबर दो, जब वे 20 साल के थे तब प्रभु ने उनको बुलाया अपनी सेवा के लिए। उन्होंने कहा, प्रभु मेरी शादी हो जाए तब मैं निकल लूंगा। शादी हो गई। शादी होने के बाद उन्होंने कहना शुरू किया, प्रभु एक बच्चा हो जाए, एक बेटा हो जाए। बच्ची हुई। उन्होंने कहा, प्रभु ये तो बच्ची दी आपने, एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ी है, कुछ बड़ी हो जाए उसके बाद मैं सेवा के लिए निकल लूंगा। वो थोड़ी बड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा, प्रभु बच्ची है, कमजोर जात है, जरा इसकी शादी हो जाए फिर मैं निकल लूंगा सेवा के लिए। शादी हो गई। उस भाई ने कहा कि शादी हुई, मुझे एक लड़की भी मिल गई, उसका बाप भी मिल गया, आके मेरे साथ रहने लगा। मुझसे बोला कि बस तुम्हारी शादी हो गई है, 2-4 दिन मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारा पारिवारिक जीवन जरा सेटल हो जाए, फिर तो मैं प्रभु की सेवा के लिए चला जाऊंगा। उन्होंने बताया, भैया तब से वो मुझे छोड़ के नहीं गए, जोंक के समान चिपक गए। फिर कुछ दिन के बाद जब बिटिया ने पूछा, पापा आपको तो प्रभु ने बुलाया। हाँ बिटिया, प्रभु ने बुलाया, तेरा एक बच्चा हो जाए उसके बाद मैं प्रभु की सेवा के लिए चला जाऊंगा। बच्चा क्या, प्रभु ने उसको बच्ची दी। तो फिर से उन्होंने वही पुराना राग अलापना शुरू किया, प्रभु आपने तो बच्ची दी है, पता नहीं कमजोर है, मैं कुछ साल इनके साथ रह के थोड़ा सा पालन पोषण में इनका गाइड कर दूं। फिर वही चक्कर, प्रभु जरा वो आपको ग्रहण कर ले, उसके बाद प्रभु अब जरा वो कॉलेज बीएससी कर ले। रिजल्ट क्या हुआ, जिस आदमी को 20 साल की उम्र में प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया था, रोज रोज प्रभु से सौदा करते करते 65 का हो गया, अभी तक नहीं गया। और उस भाई ने हंसते हुए मुझे बताया कि ब्रदर मेरे तो गले पड़ गया है। कोई बात नहीं, बुजुर्ग है, वाइफ का पिता है, लेकिन ब्रदर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग जाके भी ये प्रभु से मोल भाव ही करेगा। उसके कुछ साल के बाद मुझे जो है खबर मिली कि इसी तरह से कहते गए, प्रभु अब मेरी जो बेटी की बेटी है इसकी शादी हो जाए तब मैं सेवा के लिए निकलूंगा। शादी हुई तो बोली, प्रभु उसका बच्चा हो जाए तो सेवा के लिए निकलूंगा। उसका बच्चा होने के पहले वो गुजर गए। और ऐसा मेरा अनुमान है कि जब स्वर्ग पहुंचे तो प्रभु ने पूछा होगा कि भैया, मैंने तो तुमको आज से 55 साल पहले सेवा के लिए बुलाया था, तुम क्यों नहीं आए? तो उसका जवाब क्या होगा, जिस तरह से वो दास था जिसने कहा कि तूने मुझे सबके बराबर कर दिया, प्रभु का जवाब था, मैंने नहीं किया, तुमने ही तो मोल भाव किया था। उस भाई को प्रभु का यही जवाब होगा, पुत्र 20 साल की उम्र में मैंने तुमको बुलाया, उसके बाद 55 साल तुम मुझसे मोल भाव करते रहे, और अब यहां मेरे पास आके तुम्हारा मोल भाव बंद नहीं हुआ क्या? उस भाई को प्रभु ने जिस कार्य के लिए बुलाया था वो कार्य वे कर सके क्या? नहीं। ये घटना सबसे आखिर में मैंने डिटेल में आपको इसलिए बताई कि हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग तरीके से मोल भाव करता है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, ऐसे कई भाई लोग हैं जिनसे ये पूछा जाता है कि आपके जीवन में सर्वोत्तम प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो उनका जवाब है, हे प्रभु आपने किस तरह की पत्नी लाके मेरे सर पे बिठा दिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। बहनों से जब पूछते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में सर्वोत्तम क्यों नहीं दिख रहा, हे प्रभु
ये तो शैतान से आपने मुझे बांध दिया, अब जिंदगी भर जो है मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। बच्चों से जब पूछा जाता है कि भाई तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो और पढ़ाई तो प्रभु के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी, अंकल जी पापा ने ऐसा नहीं किया, मम्मी ने ऐसा नहीं किया, वो ये। जो नौकरीशुदा लोग हैं उनसे जब पूछा जाता है कि जिस ऑफिस में तुम काम करते थे, जिस समाज में रहते थे, तब तुम वहां तुम्हारी गवाही क्या थी, हाँ ब्रदर ऐसा है वैसा है, और आप मेरे बॉस को नहीं जानते, आप मेरे ऑफिस को नहीं जानते, ये सब महज सौदेबाजी है। तो आज क्लोजिंग में मैं इस बात के साथ समाप्त करना चाहता हूं, मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, हम इस बात को समझें कि प्रभु ने हमको बुलाया है, किसी तरह का कोई भी मोल भाव कतई ना करें, जैसा बुलाया है वैसा ही प्रभु की सेवा करें। आज इस संदेश के बाद पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय जरा खोलकर देखिए, वहां एक पद है, मैं आपको पद नहीं बताऊंगा, आप जरा उस अध्याय को पढ़ लीजिए, क्योंकि उस अध्याय है विवाह के बारे में, लेकिन उसमें कम से कम 9 बार बुलाहट के बारे में कहा गया है। उसमें से एक पद है, जिसको जो जिस दशा में बुलाया गया है उसी दशा में रहे। क्या मतलब? इसका मतलब है कि जिस दशा में हम बुलाए गए हैं वो हमारे लिए सर्वोत्तम है, मोल भाव ना करें, तुलना ना करें, प्रभु के साथ किसी तरह का आर्ग्यूमेंट ना करें, सौदा ना करें। जो प्रभु ने हमें दिया है, जिसके लिए बुलाया है, वो हमारे जीवन में सर्वोत्तम है, नहीं तो अंत में क्या होगा, जो हमारे पीछे आए थे वो हमसे आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है, जो अगले हैं, इस रीति से 16वें पद में हम देखते हैं, इस रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे, मनुष्य के कायदे कानून के अनुसार नहीं, परमेश्वर के कायदे कानून के अनुसार उस रीति से हम व्यवहार नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा नुकसान में रहेंगे। प्रभु हमारी मदद करे कि हम चाहे पीछे आए हों, हम आगे जा सके। और इसलिए उस बात को फिर से याद दिला के क्लोज करूं, ब्रदर आज तक मैं इस बात को समझ नहीं पाया था, पिछला जीवन तो बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं है, अब प्रभु के साथ मोल भाव या सौदा करना बंद कर दीजिए, मसीही जीवन में लेट हो गए, टू लेट जैसी कोई बात नहीं है, जहां है जैसे हैं, जब आपको समझ मिली स्टार्ट हो जाइए, प्रभु आपकी मदद करें। आज इस तरह से प्रभु का वचन सुनने के लिए और प्रभु के वचन का ध्यान करने के लिए प्रभु ने जो समय दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। प्रभु अपने वचन के द्वारा आप सबको अनुग्रह दें, प्रभु के नाम की स्तुति हो।